जिलों में हमारे यहाँ पर नाम जांचो अभियान चालू हो रहा है। इसमें सभी मतदाताओं से अनुरोध है और सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि अपने मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य भर में मतदाता सूची की द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 25 जुलाई से नाम जांचो अभियान की शुरुआत की जा रही है। उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर नाम जांचो कैंपेन चलाया जाएगा। वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी प्रकार से त्रुटि है तो इस अभियान के तहत सभी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। दावा एवं आपत्ति दाखिल कराने के लिए अवधि 25 से 9 अगस्त तक है। विशेष अभियान 27 से और 28 जुलाई एवं 3 और 4 अगस्त है। दावा एवं आपत्ति निस्तारण की तिथि 19 अगस्त है और एवं 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कल सभी जिलों में हमारे यहाँ पर नाम जांचो अभियान चालू हो रहा है। इसमें सभी मतदाताओं से अनुरोध है और सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि अपने मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें ये प्रेरित करें कि अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। कल हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है सभी बूथों पे, तो अपना नाम चेक कर लें कि आपका नाम आपके बूथ के मतदाता सूची में है या नहीं है। और ये आप चाहे तो अपने बूथ पे जाके चेक कर सकते हैं या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नाम गलती से छूटा हुआ है तो आप फॉर्म 6 भर के अप्लाई करें। आपके नाम में किसी भी टाइप का कोई करेक्शन संशोधन होना है तो फॉर्म 8 भरें। अगर जैसे मैंने बताया आपका नाम था और किसी वजह से डिलीट हो गया है तो फिर भी आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। तो ये जो हमारा कैंपेन कल चलेगा नाम जांचो, और कल जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा इसमें हम लोग 9 अगस्त तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर इस ड्राफ्ट पे हम लोग कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस प्राप्त नहीं कर सकेंगे और फिर फाइनल पब्लिकेशन हमारा 20 अगस्त को होगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि सभी मतदाता बहुत जागरूकता का परिचय देते हुए अपना नाम चेक करके उसमें अगर कोई भी अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो BLO के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। देखिए, जो जब एड्रेस चेंज हुआ है तो यहाँ से ईपी कार्ड बनने के लिए दे दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि ईपी कार्ड के अलावा भी 11 अन्य प्रकार के भी आईडी कार्ड मान्य होते हैं। तो ये किसी के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि कोई वोट नहीं डाल सकता। बट ईपी कार्ड का डिलीवरी जैसे जैसे हम लोग को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आता रहता है वो BLO के माध्यम से डिलीवर कराया जा रहा है या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी डिलीवर कराया जा रहा है। ऐसा कोई ईपी कार्ड नहीं है जो हमारे यहाँ पर आ करके अनडिलीवर्ड रखा हो और जिसका एड्रेस सही हो। तो यदि ऐसे कोई केसेस है तो वो निश्चित तौर से ईपी कार्ड प्रिंट होकर के आ जाएंगे और आप तक पहुँच भी जाएंगे। थैंक यू।